बच्चों तो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर जो कि डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है बच्चों ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट इट इज एन अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मोशन व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ वेवस एंड ऑब्जर्वर बच्चों इस प्रभाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी सोर्स ऑफ वेव और ऑब्जर्वर के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन होता है तो जो वेव फ्रंट ऑब्ज़रवर रिसीव करता है वह उसकी रियल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं करता बल्कि उसमें एक अपरेंट चेंज आ जाता है ऑब्जर्वर को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड साउंड की फ्रीक्वेंसी या रिसीव्ड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है और ये अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इसी की स्टडी को इसी फिनमुना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं ये किसी पे भी अप्लाई होता है बच्चों जो कोई भी वेव है आई मीन साउंड हो या लाइट हो दोनों में ही आपको डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है साउंड वेव्स फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स अगर हम एक स्टेशनरी सोर्स से निकलने वाले साउंड वेव्स को ऑब्जर्व करें जिसमें कि हमारा ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है तो आप देख सकते हैं सोर्स से जितने भी वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वह ऑब्जर्वर तक सारे के सारे वेवफ्रंट सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर को जैसा भी साउंड सुनाई देगा सब सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों में से मैं किसी को भी मूव करा दूं, तो पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप इस एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि अगर हमारा सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की ओर मूव करते रहेगा या इन जनरल अगर वो मूव करे तो इस हॉरिजेंटल लाइन के दोनों ही एंड्स में दोनों छोरों पे अगर मैं दो ऑब्जर्वर्स को लगाता हूँ तो उन दोनों को ही डिफरेंट तरह का साउंड सुनाई देगा जो सोर्स ऑफ साउंड के पास में है यानी कि राइट right एंड में ऑब्जर्वर है उसको जो साउंड रिसीव होगा वो हाई फ्रिक्वेंसी स्मॉल वेवलेंथ का रिसीव होगा जबकि जो लेफ़्ट एंड में है दूसरे एंड में उसको लॉन्ग वेव लेंथ और लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई पड़ेगा